खोटा जानते हो? खोटा गीदर सुने हो? गीदर गीदर किसको कहता है? बच्चा लोग का कहता है, इतना जानते होगे। तो बाबू हम भी खोटा जानते हैं और हमको भी पता है गीदर मतलब बच्चा होता है। तो मधुपुर में हम पढ़ाते थे, उस समय नया नया शुरू किए थे कोचिंग, मधुपुर में पढ़ा रहे थे। तो मेरा उस समय हम BSc वालक भी पढ़ाते थे, ठीक है। और एक गौरव नाम का लड़का था, अमडीहा घर है उसका, तो वहाँ का एक लड़का था, उसका बेटा हुआ था। अरे कोई स्टूडेंट का शादी हो जाता जल्दी हुआ था, अब बेटा हुआ था, तो हमको निमंत्रण दिया था छठियारी में कि सर आइएगा। पहुँच गया उसका घर, खोज ले। तो जब हमको बुलाया ही था, लेकिन उसका जो दोस्त लोग था वो लोग को भी बुलाया था। मतलब जैसे मान लीजिए इसका बेटा हुआ तो हमको बुलाया, तुम लोग को नहीं बुलाया क्या? इस तरह मेरा सब स्टूडेंट लगभग पहुँच गया था। तो जैसे हम गए, उस समय मेरे पास डिस्कवर गाड़ी था, बाइक से जैसे उतरे देखा स्टूडेंट लोग के सर आ गए, फटाफट सबको पैर छू के प्रणाम करने लगा। गांव की लेडीज सब देख करके भाई कौन आ गया, पैर छू के सब प्रणाम कर रहा है। तो लास्ट में हम गए अंदर ले गया, और अंदर मेरे को आंगन में एक कुर्सी दे दिया, बोला सर आप बैठिए, और सब स्टूडेंट चला गया मेरे लिए नाश्ता पानी वगैरह सब लाने के लिए। तो वो सब लेडीज जो देख रही थी वो सब आ गई, आ करके बोलती है घर कहाँ होला तरा? तम बोले मोहनपुर। के होला था? तम बोले कि जकर बेटा होल जकर सर छे की। लो सर लगभग। अच्छा कैटा गिदर छ? कैटा गिदर छ। तो भाई उस समय हम नया नया कोचिंग स्टार्ट किए थे, और हमसे मेरा कोई दोस्त रिलेटिव कोई भी जब होता था यही पूछता था, तुम्हारे पास कितना स्टूडेंट है, कितना विद्यार्थी है, कितना बच्चा है, ऐसे पूछता था, तो हम बताते थे। तो वो लोग भी जो पूछी कि कितना गिदर छ, तो हमको ऐसा लगा कि शायद मेरे पास जान गई कि हम सर हैं, हमसे पूछ रही मेरे पास कितना स्टूडेंट है। तो हम उसको बोले लगभग 300। जैसे पूछिए देखो रिएक्शन देखो, वो बोली कितना गिदर छ, तुरंत हम जवाब दिए 300। ठीक, तो बोलती इतना किरे होलो? जब ई वाला वर्ड बोली इतना किरे होलो, तब समझ में आया किरे गलत जवाब हो गया है। ठीक, फिर जवाब दिए कि मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ है। तो उसमें भी मजाक, बुढ़िया लोग तो जानवे करते, तोरा विद्यार्थी गिदर हो गलो तो बिहोन करला छ। तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ हुआ है शुरू शुरू में।